अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आप सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं जी, क्या तेरी छाई दत्ते वाली सरकार, दत्ते वाली सरकार आए हैं जी। ये डेरा सुरानी बलोचा दा, ये है यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ चौक कुरैशी के पास है, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। वो उस बंदे के घर है, वो इशारे कर रहे हैं दूर दूर से। इसको खुद अभी तक घर इन्होंने घुसने नहीं दिया। ये भाई ये हमारे साथ ही, ये हमारे, इसको छोड़े, ये हमारे उमेर भाई हैं। उमेर भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से। ये भाई ओकाड़ा से सफ़र करके आए हैं, वो बगैरत बंदे के पीछे ये भी आ रहा है यहीं पे, वो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये इसको छोड़े, ये कैमरे में फिट नहीं आ रहा, इसको छोड़ दे, ये किसी खाते में नहीं है। अभी सख्त सर्दी है, जैसे आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा, मुझे ज़रा ज़ुकाम और खांसी और फीवर हुआ हुआ है। तो फिर हम उसको करने के लिए ना इनके गांव में, ये हमारे अंजुम भाई हैं, हमारे होस्ट हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, हमारे उस्ताद भी हैं। और इन्होंने हमें कहा है कि वो सामने ना यहाँ पे आबे हयात आता है, ये ट्राउज़र वगैरह ले आए, अभी हम जाने लगे हैं जी नहाने। तो कैसा आपको हमारी, या हम आपके मेहमान बने, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और मुझे बहुत फख्र फील हो रहा है इनकी जो है ना मेहमान नवाजी। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। एक पपी लेनी है, पपी लेनी है मेहर भाई? एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तेजाब में ला दूंगा, तेजाब में ला दूंगा, मसला कोई नहीं है। तेजाब में ला दूंगा, मुंह धोने पड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन खैर है, खत्म करो, खत्म। वो बंदा चला गया जी, वो देखिए वो चेंज कर रहा है, ओ चेंज कर रहा है कपड़े। अभी जाके हम लोग नहाएंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे यार यहाँ पे ठंड में हम लोग पीटर पे नहाने जा रहे हैं। ऐसे ही है, गर्म पानी दिया था। हाँ जी, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं जी। ये हमारे असिस्टेंट ने उठाए हुए तौलिए शोलिए, उमेर भाई सिर्फ हमारे आज कैमरा मैन बनेंगे। वो कहते हैं मैं बीमार हो जाऊंगा। ये बंदा जा रहा है नहाने के लिए, और इनके साथ इंशाल्लाह ये जो हार है पहले से, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, अल्लाह खैर करे। ये देखे जी देहात की लाइफ, बड़ा मजा आता है यार ऐसी जगहों पे आगे। ये क्या लगा हुआ है? ये सरसों लगा हुआ है? सरसों का घास है। सरसों का क्या? घास। अच्छा घास, नहीं तय दे बी एस इंग्लिश की थी हाल ही, तू घास आता है तू आ, दिस इज द ग्रास ऑफ सरसों, लाख दी लाना तो तेरे पांच सेमेस्टर थे। यार ये चेक करे यार, ये अंदर नहाने आए हैं और ये गई भैंस पानी में, ये गई भैंस पानी में। यार मुहावरा सुना होगा आज पहली दफा, ये देख भी ले, देख गई भैंस पानी में हेड फेस। ये चेक कर रखे यार, यार ये भाई बड़ा ही गर्म पानी आ रहा है यहाँ पे, हमने पहले चेक किया तब हम जाएंगे। नहा धो के हम लोग निकल आए हैं चौक कुरैशी की तरफ, चौक कुरैशी की तरफ हम लोग रवा दवा है। ये माहौल देखे आप इधर, इस चीज का बड़ा मजा आता है। ये आप चेक करें, वो सामने गन्ने लगे हुए, पहले तो हम जिसके पास है आए हुए हैं, जो हमारा मेजबान है, उसको हम ये गन्नों का विजिट करवाएंगे, क्योंकि उसने कहा था कि इधर गन्ने आते हैं बड़े अच्छे है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, हम आप जो मेहमान है वो पीछे मेजबान को देखे, वो पीछे देखे, वो पीछे है, हम आगे जा रहे हैं, हम उसको रास्ता बता रहे हैं, पूरा रास्ता उसको हम ले गए कि भाई तेरा घर इधर है, तेरा घर इधर है। रास्ता हम सुनते हैं कि फुल गुजार के आखिरी सड़की पे आखिरी घर हमारा है, और ये आखिरी घर में 6000 मोड़ आए हैं। मैं जब मैं कहते शुक्र है कि इधर घर है, वो नहीं कहते भाई तू फिर आवाज अगला घर सारे वो करते कराते तकरीबन 700-800 मीटर उसको लेके बेचारे को, बड़ा जलील कर रहा है। ये नहर बन रही है, ये यहाँ पे ना अपने हयात के चश्मे बहेंगे। ये कह रहा है दरियाए नील, दरियाए नील का पानी यहाँ पे छोड़ा जाएगा। अच्छा दूसरा आपको बताया ना, तो वही है पुल थी,
अगे पुल जाके सड़की ते सीधा सड़की फिर भाई आखरी घर सारे और ये आखरी घर के चक्कर में अभी ये आप देखिए 1.5 से 2 किलोमीटर हम बाहर आए। ये देखे जी ये दरियाए फरात का पानी इधर छोड़ा जाएगा। ये पुल पक्की हो रही है जी, पुल पक्की हो रही है। ये जी इज आवर होस्ट, इसने बीएस इंग्लिश कर रहा है बल्कि 5 सेमेस्टर में, लेकर आता है इसको एबीसी भी पूरी नहीं है। ये यहाँ से कच्ची है, इधर दरियाए नील का पानी आएगा ना, इधर दरियाए फरात का आएगा क्योंकि इसको पक्की कर रहे हैं, पक्की वाली में पहले छोड़ा जाएगा। इधर फिर गेटियां मिलेंगी हमें। ये जी ये ट्रक जा रहा है, इस ट्रक से हमने ये गन्ना थोड़ा है, ये पितरे मेरे थोड़ा है गन्ना करना में इस। वो जा रहा है ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर से हमने थोड़ा है। आगे सोरानी साहब कह रहे हैं कि हमारा के कितना ऋण है, के एफल टावर है मता आज लो बस आसान है मैं। हाँ जी तो अंजुम भाई हमें लेके आए हैं, कह रहे चौक है हुंडसा। अच्छा ये है सोरानी चौक, बड़ी मशहूर है इधर से, हम भी एक मुर्गी गन्ने गन्ने तो बाहर वालों के चलते हैं। मुर्गी लेने हैं फिर हम लोग उसकी सोबत बनाएंगे, इनको खिलाएंगे क्योंकि वो हमारे इलाके की तरह ट्रेडिशनल एक किस्म की डिश है जो हम लोग बनाते होते हैं, और फिर हम ये सोरानी साहब को खिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे मैं जीप में लेग डे लगा रहा हूँ, मेरी टांगे सही दर्द कर रही है और इसको मजा आ रहा है। बेनिफिट ऑफ हैविंग अ मोटा फ्रेंड। ओके ये गाइस आप देख सकते हैं कि कितना ही बच्चों वाले हरकतें कर रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे अपने उमेर भाई भी दिखा देता हूँ। उमेर भाई को आप देख लें, वो भी बिल्कुल सेम जो है ना, ये देखें झूला झूल रहे हैं, और ये दोनों मैं तो आराम से बैठा हूँ, इनको भी आप देख सकते हैं। देखें ये बच्चों के बाप हैं लेकिन फिर भी इनकी बच्चों वाली जो हरकतें हैं वो गई नहीं है। तो ये हम वैसे आए हुए हैं, इसको रहमान होटल बोलते हैं, साथ में रहमान पेट्रोलियम सर्विस भी है, और ये असल में मेरा इंग्लिश एक्सेंट बाहर निकल के आ रहा है ना इसी वजह। कुछ भी भाई का पांच हुआ सर, भाई का बीएस इंग्लिश में। हां बीएस इंग्लिश फ्रॉम कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अच्छा जी तो ये हमें अंजुम भाई लेके आए हुए हैं अपनी ये जमीनों शमीनों पे घुमाने के लिए, गणेश ने खिलाने लाए हमें, और सीन ये है ना कि इधर आके हमें एक चीज याद आई है, तारिक भाई ने ना बड़ी ही प्यारी एक चीज याद कराई है। अच्छा तो इधर सीन ये हुआ था कि इंडिया में ना कुछ अर्सा पहले इसने मुझे एक पोस्ट यही एक 2-3 दिन पहले वाले से एक पोस्ट भेजी थी, वहां पे जो गाय का गोबर है ना इसकी जो थापियां बनती है उसको उन्होंने मतलब छोटी छोटी थापियां बना के $30 का वो एक पैक बनाया था, 5 से 6 का 7 थी ठीक है, $30 का पैकेट, उस पर लिखा था फॉर रिलीजियस पर्पस। तो अगर ऐसा कोई बंदा है ना तो भाई $30 जाया करने से बेहतर इधर आ जाओ, हम खुला एक्सपोर्ट करेंगे। इधर खुला माल है ये आप देख सकते हैं, इधर आपको बड़े बड़े पीसेस भी बड़े बड़े आपको मिलेंगे। ये तारिक भाई खुद कर रही है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। हम लोग आ चुके हैं जी वापस, और ये आपने यहाँ पे जरा सोबत शोबत का प्रोग्राम बनाया है, ये इसमें गोश्त बॉयल हो रहा है, ये यहाँ पे हमारे कुक साहब पर थी, कुक साहब बैठ के रो रहे, खैर रोना क्यों बैठे भाई, बस मुझे कोई याद आ रहा है, एक कुक को कोई याद आ रहा है, ये प्याज छील रहा है, ये भाई बैठे हुए शदीद भूख के साथ, लगेंगे घंटे दो। ये जो भाई ने हमें ला के दिए बंदूक, उमेर भाई जा रहे हैं शिकार पे, सिर्फ दो कारतूस ही है, लग गया था ठीक है ना लगा था लगे वाले, किस तरफ जाना, कबूतर मारने जा रहे हैं जी हम, कबूतर भाई ने मारी है, ये हमारी है, कबूतर तो मिल नहीं रहे थे तो बस यही है, ये मकरू है, हराम नहीं मकरू है ये, लेकिन चलो फिर भी मार तो दिया ना पका के, उमेर भाई जी मार तो दिया मैंने, कहा शिकारी होने का सबूत दिया आपने, ये जी आप क्या करें, ए दे नहीं लगा ए छोड़, ये चेक करें आप, ये इन्होंने मारा है भाई ने, ये इनके सुपरवाइज करते रहे हैं, है बड़ी जा इवें दसेना दिया, ये आपके भाई ने जी मारी है दो ठीक है, और ये हमारे निशान भाई ने एक मारी है, ये दो कारतूस ही थे टोटल हमारे पास, ऐसे निशाना चेक करने आए हैं, ऐसे ये मकरू है, कुछ मिला नहीं था हमने कहा चलो इन्हीं पे सही, क्यों जी ऐसे ही है, ये खासू तू खास है ना। हाँ जी तो शिकार के बाद हम वापस आ गए हैं हमारे अंजुम भाई के पास, और हमने 3 हराम जानवर जाने लिए हैं, ये बकौल इसके 3 मासूम जाने तुम लोगों ने लिए हैं,
ये बड़ा ही कोई ये हलाल चीजें मार के आते तो फिर भी कह सकते थे गुनाह नहीं है कि भाई नहीं तय था कबूतर छोड़े हम भाई भाई के मार रहा हूं तीन जाने वो भी हराम खैर इसको बताओ क्या बने ये बस आप देख सकते हैं काम रेडी है इसमें तो जरा फोकस करें कैमरामैन फोकस कर लिया है और बताओ ये तकरीबन बस 15 से 20 मिनट में आरी तैयार हो जाएगी ठीक है बड़ा मजा आने वाला है आज ठीक है और कुछ बस इससे ज्यादा नहीं बेस्ट बकवास बंद और आप बताओ जी कैसा रहा ये एक्सपीरियंस लाइक फायर करने का उमर भाई से नहीं नहीं मैं पहले जाता रहता हूँ शिकार पे वो घर वालों ने पूछा है कि कौन कर रहे हैं फायर मैंने कहा वो मरवत होंगे तो वैसे यस लेकिन बाजार होते नहीं है यार नहीं है ये आम शरीफ बंदे हैं बंदे उमर भाई हैं तो उन्होंने करने उमर भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस उमर भाई इधर एक्सप्रेशन माशाल्लाह बहुत मजा आया आपकी शक्ल लाल हुई है रंग उड़ा हुआ है वो किस लिए वो इसलिए ना भाग भाग कर फर्स्ट टाइम भाग रहा हूं यार ये 1.5 किलोमीटर देखकर बड़ा अच्छा लगा इन्हें फायर होते हुए देखकर बड़ा अच्छा है मजा आया ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा बहुत अच्छा मतलब ये नहीं कहोगे कि अंजुम के घर गया वहाँ पे कुछ था नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं वो एक अलग बात है था तो कुछ भी नहीं ना लेकिन मजा आया हमारे साथ मजा आया इसके साथ मजा आया सोबत हमारी तैयार हो चुकी है और सोबत के लिए ना आपको रोटी रोटी आपने ऐसे छोटी छोटी काटनी होती है ये रोटी वो नहीं है ये कुछ ज्यादा ये कलमंद है हमारा उस्ताद ये वो दूसरी तवे वाली रोटी बना के लिया है हालांकि इसको हमने चपाती का कहा था ये आप देख सकते हैं सोबत तैयार हो चुकी है तो ये जिस टाइम थाल प्रॉपर बनेगा ना फिर हम आपको दिखाएंगे ये तारिक भाई लगे और अभी मैं भी बैठने लगा उनके साथ ये देखें जी ये इस तरह बनती होती है सोबत ये रोटी छोटी छोटी तोड़ के डाली और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सालन डालेंगे हाँ जी तो ये देख सकते हैं ये फाइनल सोबत हो गई है तैयार ये आप चेक कर सकते हैं दो थाल रेडी हुई है रायता ये हमारे शेफ साहब का है और हमने भी थोड़े से हाथ गंदे किए आखिर पे ये सलाद काटने में तो सबकी मिली भगत है ये उसी का ही नतीजा है ये आप चेक कर सकते हैं तो अब हम खाएंगे सोबत और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।